अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने आईपीजी टावर साइट का विजिट किया। उनके साथ प्रोजेक्ट कंसल्टेंट अनुप भरतरिया सहित टेक्निकल टीम भी मौजूद थी। जहां आपको बता रहे हैं जेडीसी रवि जैन जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे, यहां उन्होंने आईपीजी टावर साइट का विजिट किया है। तो वहीं उनके साथ प्रोजेक्ट कंसल्टेंट अनुप भरतरिया सहित टेक्निकल टीम मौजूद रही। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता योगेंद्र पंचोली जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, जेडीसी रवि जैन ने एसएमएस अस्पताल को विजिट किया है आज, क्या कुछ खास रहा उनके इस विजिट को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की नहीं, देश की सरकारी सेक्टर में सबसे बड़ी ऊंची जो एक है कि आईपीडी टावर जो बनने वाला है, जिसकी नींव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट पर 587 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। एक अहम प्रोजेक्ट इसे राज्य सरकार का माना जा सकता है, क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने की जो जिम्मेदारी है वो जेडी की है। तो जेडी की रवि जैन ने आज अधिकारियों के साथ और जो कंसल्टेंसी जो फर्म है उसके जो पदाधिकारी के साथ विजिट किया है। और यहाँ पर एसएमएस में जहाँ पर ये जहाँ नींव रखी गई थी मुख्यमंत्री और यूडीएस मंत्री की ओर से, वहाँ पर उन्होंने विजिट किया है। और क्योंकि अभी देखिए बिहार बीच में एसएमएस हॉस्पिटल है और उसके साइड में कहें कि एक अप्रोचेबल रोड हो और कन्वीनियंट हो, इसके लिए सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने समेत कई निर्णय भी वहां पर लिए जा सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि ये जो 530 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो उसमें हालांकि बताया गया है कि 1.5 साल इसमें यानी 18 से 19 महीने लगेंगे पूरा कंप्लीट बनने में, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है बेसमेंट सही 24 से 25 मंजिल का होगा, जिसमें की ऊपर हेलीपैड यानी एयरलिफ्टिंग के लिए भी पूरी सुविधा होगी। और क्योंकि अभी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ऐसे में इस प्रोजेक्ट को दरअसल पर लाने के लिए पूरी तैयारियां सरकार के साथ ही जेडीए ने जो कि इसके नोडल एजेंसी है तो उसमें शुरू कर दी थी। बिल्कुल योगेंद्र, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि ड्रीम प्रोजेक्ट ये सरकार का है आईपीडी टावर, तो इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, ये भी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हो जाती है। उन्होंने यहाँ पर विजिट किया रवि जैन ने, तो क्या कुछ परिवर्तन उनके द्वारा यहाँ पर बताए गए, क्या कुछ चेंजेस उनके द्वारा इस टावर को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर बताए गए? देखिए, फिलहाल जो ये पूरा जो प्रेमाइसिस है उसमें किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं है और ना ही आईपीडी टावर में बदलाव किसी प्रकार के होंगे, क्योंकि इसका जो पूरा डीआईटीआर जब डीपीआर बना था, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी, तो उसमें सारी चीजें हैं वो पूरी मेंशन की गई थी, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था जो कि मुख्यमंत्री और यूडीएस मंत्री के स्तर पर देखा गया था और वो मंजूर हो चुका है। हालांकि इसको इसमें जो अप्रोचेबल रोड सड़कें हैं उनको लेकर कुछ निर्णय हो सकता है कि सड़कों की चौड़ाई कितनी बढ़ाई जाए, या फिर क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होगी कि इमरजेंसी में जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और एग्जिट और एंट्री के लिए तमाम सारी चीजें, क्योंकि जेलन मार्ग और टोंक रोड के बीच का ये पूरा जो जो क्षेत्र है एसएमएस का जो परिसर है वहां पर ही सारी सुविधाओं को ये लैस होने वाला है। एक अहम प्रोजेक्ट सरकार का है तो ऐसे में यहाँ पर अब अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि अब क्योंकि नोडल एजेंसी है वो जेडीए है और ऐसे में अब इस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल अहम प्रोजेक्ट है तो ये जरूरी हो जाता है कि बार बार में इसका विजिट किया जाए, इसको पूरी तरीके से देखा जाए। इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कुछ खास है योगेंद्र पंचोली? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।